Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. This is the first video related with your syllabus, and इस video के अंदर हम syllabus जो है वो start कर देंगे. हालांकि मैंने जो video भेजी है it is related with the topic, but as an lecture जो है first video है. So हम syllabus को start करेंगे 5th unit से. अब 5th unit से क्यों, क्योंकि तो आखिरी unit है, first unit से क्यों नहीं. इसका reason बड़ा simple सा है. अपने 10th क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो सेकंड चैप्टर था वो पढ़ा था, उसके अंदर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने ये सिस्टम पढ़े थे, नर्वस सिस्टम पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था. तो ये सारे जो सिस्टम जो 10th के अंदर पढ़ के आए हो, वही चीज़ अब 12th के अंदर भी है, सॉरी 11th के अंदर भी है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल के अंदर है. फर्स्ट यूनिट जो है वो रिलेटिव विद द क्लासिफिकेशन है, जो 9th क्लास के अंदर पढ़ा था. तो इट इज़ मच बेटर कि जो आप पहले से ही पढ़ के आए हो उसी को ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ लो. और फिफ्थ यूनिट से जो है नीट के अंदर और दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी जो है ज़्यादा वेटेज जो है ये रखे हुए हैं. तो इसी वजह से आप फ्रेश आए हो तो डायरेक्ट जो है फिफ्थ यूनिट से ही स्टार्ट किया जाए. और रिलेटिवली ईजी भी है, हालांकि थोड़ी ज़्यादा चैप्टर हैं, बट इट इज़ मच मोर ईजी. वो कौन सी लें, तो डायरेक्टर सर जैसे कहने लग रहे हैं कि भाई एक आपको एनसीईआरटी तो लेनी है ही, तो पहले तो उसी के ऊपर स्टिक करें, फिर आपकी जब रेगुलर क्लास होगी तो फिर उसके बाद आपको बताएंगे. बाकी आपको सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करते रहेंगे, आप वहाँ से अगर करते रहोगे तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी. तो यूनिट फिफ्थ का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी. अब पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इस फिजियोलॉजी का मतलब क्या है. तो वर्ड को अगर ब्रेक करेंगे, वैसे अगर पिछली क्लास की अगर चीज़ें याद हो तो वहाँ पर मैंने बता रखा है कि जब भी स्टडी करो तो ब्रेक करके स्टडी करो. तो लॉजी का मतलब स्टडी, एंड फिजियो का मतलब कि फंक्शनिंग, तो इसका मतलब क्या है कि स्टडी करना, स्टडी किसकी करना, फंक्शंस की. अब फंक्शन किसके, ह्यूमन के फंक्शन को स्टडी करना और उनकी फंक्शनिंग का पता करना कि उनकी फंक्शनिंग जो है किस तरीके से होने लग रही है. यानी कि अंदर अगर डाइजेशन होने लग रहा है तो डाइजेशन किस तरीके से होने लग रहा है. अगर मैं डाइजेशन की फंक्शनिंग को पता करने लग रहा हूँ कि वो किस तरीके से फंक्शन करने लग रहे हैं, तो उसको मैं क्या कहूँगा, फिजियोलॉजी. सिमिलरली एक्सक्रीशन का फंक्शन बॉडी के अंदर किस तरीके से होने लग रहा है, तो अगर हम उसका जो फंक्शन जो है वो अगर देखेंगे कि उनकी फंक्शनिंग किस तरीके से होने लग रही है, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, फिजियोलॉजी के अंदर. ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से हुआ, उनकी फंक्शनिंग किस तरीके से होने लग रही है, हमारी बॉडी के अंदर वो फंक्शन कैसे हो गया, तो वो भी किसका पार्ट हो गया, फिजियोलॉजी का पार्ट हो गया. सिमिलरली आई किस तरीके से काम करती है, ईयर के किस तरीके से काम करते हैं, हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, कोई भी ग्लैंड है वो किस तरीके से काम करता है, जितना भी काम की फंक्शन किस तरीके से हुई है, इनकी जब भी स्टडी की जाती है तो उन सभी को हम कह देते हैं कि वो फिजियोलॉजी है. ठीक है, तो अगर ह्यूमन और फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो ह्यूमन के अंदर फंक्शनिंग किस तरीके से होने लग रही है, तो यानी हमारे अंदर डाइजेशन कैसे होता है. जैसे अभी हमारा जो 16th चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन किस तरीके से होता है. अगर हम उसकी फंक्शनिंग को अगर स्टडी करने लग रहे हैं तो जो फंक्शनिंग की स्टडी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है. तो चैप्टर का नाम है, उसका नाम है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन. जो हमने ये चैप्टर पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, जो लाइफ प्रोसेस थी उसके अंदर हमने पढ़ा था, पहली जो टर्म आई थी वो थी न्यूट्रिशन. तो यहाँ पर भी वही टर्म है न्यूट्रिशन, पर उसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर जो है बता दिया गया है. क्या डिटेल के अंदर याद रखना ज्यादा जरूरी है, नहीं ऐसा ज्यादा जरूरी नहीं है, बट जो भी वर्ड है, जो भी टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए और थोड़ी सी एसोसिएशन जो है पता होनी चाहिए. बाकी आप अगर अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, चाहे किसी भी तरीके से डिफाइन करो, इट इज ऑल बेटर. ठीक है, सो न्यूट्रिशन आपने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन आपने पढ़ा था एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर. और भी आप जोड़ सकते हो इसके अंदर कि
रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इम्यूनिटी, या फिर आप डिवीजन के ऊपर जो है कह सकते हो। बट बेसिकली फंडामेंटली चीज न्यूट्रिशन की क्या है कि फूड कैसे लिया गया, उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर किस तरीके से हुआ, और अल्टीमेटली वो यूटिलाइज किस तरीके से होने लग रहे हैं। अगर आप इस चीज के बारे में डिस्कस करने लग रहे हैं तो यानी कि आप न्यूट्रिशन के बारे में ही बात करने लग रहे हैं, तो इस चैप्टर के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे, हम यही पढ़ेंगे कि जो बॉडी है उसके अंदर फूड किस तरीके से लिया गया है एंड वो फिर एब्जॉर्ब कैसे हुआ, और एब्जॉर्ब होने के बाद किस तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब होने के बाद में एसिमिलेट कैसे हुआ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, कोई ना कोई बायोमेटेरियल जो है वो बनाने के लिए, एंड अल्टीमेटली वेस्ट जो है वो रिलीज होते हैं तो कहाँ से जो है रिलीज होते हैं। अपने इसी से रिलेटेड एक टर्म और पढ़ी होगी, वो है न्यूट्रिएंट। बता सकते हैं क्या है न्यूट्रिएंट? तो न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, कंपोनेंट्स। ओ फूड, और फूड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं भाई? कंपोनेंट ऑफ फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल है, ये सारे जो है कंपोनेंट्स हैं फूड के। तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, तो उसके लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो नॉर्मली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, क्योंकि सिस्टम है तो एक ऑर्गन सिस्टम है। एक जो पार्ट है वो है एलिमेंट्री कैनाल, एंड दूसरा जो पार्ट है वो है डाइजेस्टिव या फिर एसोसिएटिव ग्लैंड। ग्लैंड क्या होते हैं? ग्लैंड एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो केमिकल रिलीज करे, और अगर वो केमिकल डाइजेशन करता है यानी कि ब्रेक डाउन करता है, डाइजेशन का मतलब ही ब्रेक डाउन है, अगर वो केमिकल ब्रेक डाउन करता है तो इसी वजह से वो जो ग्लैंड होंगे वो किस टाइप के हो जाएंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे। अच्छा, आपने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन और पढ़ा, चलो इसको बाद में डायग्रामेटिकली जो है वो और देख लेंगे। बाकी जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो सारे के सारे एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन का मतलब डक्ट हो जिसके, है ना, एंड वो एक कैविटी के अंदर जो है अपना डाइजेस्टिव मटेरियल जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल को, उसके साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो देख लेंगे। क्या ये हमने 10th में नहीं पढ़ा? 10th में भी पढ़ा था हमने, बट इसको जो है हम थोड़ी से और ज्यादा डिटेल के अंदर वो है हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है उसके साथ में एसोसिएटेड है। सो इम्पोर्टेंट है कि एक टीचर जब भी काम करवाने लग रहा हो तो उसके साथ साथ में आप भी अपना जो है पेन कापी उठा करके लिखते रहें, ताकि आपको डायग्राम बनाने में मुश्किल ना हो, नहीं तो बाद में बनाओगे तो वो बनने में प्रॉब्लम करता है। तो साथ ही साथ जो है बनाते रहें ताकि आपका डायग्राम जो है आसानी से बन जाए। सो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो स्टार्ट होती है माउथ से, एंड माउथ से होती हुई ये नीचे की तरफ जाती है। अब माउथ से स्टार्ट हुई, माउथ के ऊपर क्या है? लिप्स है भाई। लिप्स जैसे ही क्रॉस होते हैं तो टीथ आते हैं ना, टीथ और लिप्स के बीच में एक छोटा सा गैप है जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल 10th क्लास के अंदर तो नहीं था, 10th की जगह अब 11th के अंदर आ गए, क्योंकि हायर क्लास के अंदर आ गए तो कुछ ना कुछ नए नाम तो आपको देंगे ना। तो वेस्टिब्यूल यानी ये बीच का गैप, जो हमारा ये लिप्स है और जो टीथ है उसके बीच का जो गैप है वो वेस्टिब्यूल है। और उसके बाद जो है ये जुड़े हुए हैं, ये बाहर वाला हो गया माउथ, और ये बीच वाला जो पार्ट हो गया उसको बोलते हैं हम ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी माउथ की कैविटी। अब जो माउथ के अंदर कैविटी है उसके साथ में कुछ ग्लैंड जो है वो एसोसिएटेड है। एक तो है या कान के पास, पेयर्ड होते हैं जनरली, यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। एक जो हमारी ओरल कैविटी है उसके ऊपर अगर आप देखो ये वाला पार्ट, ये हार्ड है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हार्ड है, तो इसी वजह बोलते हैं इसको हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। और जब पीछे की तरफ जाते हैं तो पीछे की तरफ जो है
रिलेटिवली सॉफ्ट है, तो उसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। तो हमारी जो ओरल कैविटी है टीथ के जस्ट बाद हार्ड पैलेट स्टार्ट होता है और हार्ड पैलेट के बाद में सॉफ्ट पैलेट जो है स्टार्ट होता है। माउथ को अगर आप आईने के सामने अगर देखोगे पूरा खोल करके तो आपको कुछ लटका हुआ पीछे जो है जरूर दिखाई देगा, उसको कहते हैं यूवला। तो यूवला प्रेजेंट होता है जस्ट दी एंड ऑफ दी एंड ऑफ दी सॉफ्ट पैलेट। हमारे माउथ के नीचे यानी जो बॉटम है वहां पर टंग प्रेजेंट है और टंग के नीचे अगर कोई ग्लैंड होगा तो उसको कह देते हैं सबलिंगुअल। एक और ग्लैंड होता है इसके साथ में ही, उसको कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो इन सभी की डक्ट प्रेजेंट है, तो डक्ट है तो इसका मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या एसोसिएटेड है इसके साथ? बिल्कुल है एसोसिएटेड है, तो इसी वजह से एसोसिएटेड ग्लैंड है जो डाइजेशन जो है करते हैं। इसी के साथ में जो है जो नोज से जो नेजल पैसेज है वो पीछे की तरफ जाता है और पीछे ये इसके साथ जो है जुड़ा हुआ है, पीछे इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब जो पार्ट इसके साथ में जुड़ा हुआ है हम उसको एक अलग नाम दे देते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी वो पार्ट जो नेजल पैसेज के साथ में एंड ओरल कैविटी के साथ में जुड़ा हुआ है। अब कुछ ऐसा पार्ट है यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है कुछ ऊपर की तरफ आ जाता है तो इसी वजह से उसको कह देते हैं नेजो फेरिंग्स। नेजो यानी कि नाक के पास में है, नाक आगे वाला नहीं भाई, नाक पीछे वाला जो नाक के पैसेज पीछे गया है। फेरिंग्स यानी कि ज्वाइनिंग पॉइंट, यहां पे ज्वाइनिंग पॉइंट है तो इससे ऊपर वाला पार्ट नेजो फेरिंग्स। ओरो फेरिंग्स, तो ओरो फेरिंग्स कौन सा हो गया? ओरो फेरिंग्स ये बीच वाला हो गया एंड ओरो फेरिंग्स के नीचे गला है, तो गला है तो लैरेंगो, लैरेंगो फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के तीन पार्ट हो गए, नेजो फेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स ये ऊपर वाला, ओरो फेरिंग्स एंड लैरेंगो फेरिंग्स है। लैरेंगो फेरिंग्स के बाद में एक लंबी ट्यूब जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जो लंबी ट्यूब है उसका नाम दे रखा है इसोफेगस। और जो इसोफेगस है वो टर्मिनेट होती है स्टमक के अंदर, जो जे शेप का ऑर्गन है सभी को पता है ही। ये हमारा स्टमक है, लेकिन जो स्टमक है उसके अलग अलग पार्ट है। अब ये शायद आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, जैसे ऊपर वाला पार्ट फंडस, बीच वाला पार्ट कार्डियक बॉडी एंड लास्ट वाला पार्ट जो है पाइलोरिक। ये सारे पार्ट किसके हैं? स्टमक के। स्टमक का भी एक गेट यहां पर प्रेजेंट है जो चीज अंदर जाने देगा या नहीं जाने देगा उसको रेगुलेट जो है वो करता है। अब जो इस चीज को रेगुलेट करता है उसको कह देते हैं हम स्पिंक्टर, स्पिंक्टर। तो कार्डियक साइड पे तो इसी वजह से कार्डियक स्पिंक्टर प्रेजेंट है। इसी तरीके से यहां पर भी एक मसल प्रेजेंट है जो गेट की तरह काम करता है, तो उसको हम क्या कह देंगे? पाइलोरिक स्पिंक्टर। इसके बाद यहां से पास होकर के एक डक्ट जो है वो निकलती है, जो डक्ट है एक तो वो जुड़ जाती है पैनक्रियाज से, और इसी की ही एक और ब्रांच ऊपर की तरफ जाती है, और वो ब्रांच ऊपर जाकर के दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है, और जो ऊपर जाके डिवाइड हो रखी है वो बना देती है एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं लीवर।
तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लीवर, ऊपर जो है लीवर है, और बीच में बाइल डक्ट है, ये तो गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर, ये बाइल डक्ट है, ये पैनक्रियेटिक डक्ट है, और ये हिपेटो पैनक्रियेटिक डक्ट है, हिपेटो पैनक्रियेटिक डक्ट। इसके अलावा ये छोटा सा एम्पुला है यहां पर, इसको एम्पुला ऑफ पेंटर जो है वो भी नाम दिया गया है। ये जो बीच में घूमी हुई है इसको एक अलग नाम दे रखा है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे की तरफ गई हुई है, तो जो पार्ट यहां पर गया हुआ है वो यहां पे काफी ज्यादा घुमा हुआ है। नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम इलियम कह देते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम जेजेनम जो है वो कह देते हैं। यहां पर एक स्पिंटर है उसको हम कह देते हैं इलियक स्पिंटर। इसके नीचे रेक्टम है और रेक्टम के नीचे जो है एनस है। ये हमारा नीचे वाला सिकम, ये कोलोन ऊपर की तरफ गया हुआ है तो असेंडिंग, साइड की तरफ गया हुआ है तो ट्रांसवर्स, एंड ये नीचे की तरफ गया हुआ है तो डिसेंडिंग। ये मुड़ा हुआ है तो ये नाम हो गया हमारा सिग्मोइड। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं पे फिट नहीं है, यानी कि किसी से अटैच नहीं है, वो सस्पेंडेड है, एंड उसके साथ में कोई ना कोई दूसरी मेम्ब्रेन अटैच होती है ताकि उसको होल्ड कर सके। जैसे कि आप जब भागते हो या जब आप उछलते हो काफी ज्यादा, अगर आप उछलने लग जाओ तो उछलने के बाद में यू विल फाइंड कि आपका जो पेट है वो भी उछलता है एंड बॉडी ऑर्गन जो है वो भी हिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये किसी एक जगह फिक्स नहीं है, सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड ये कोई ना कोई कैविटी होगी क्योंकि हम सिलोमेट है तो एक कैविटी के अंदर जो है ये लटके हुए हैं। अब जो ये लटके हुए हैं किसी मेम्ब्रेन के सपोर्ट के अंदर है, जैसे यहाँ पर मिजेंट्री प्रेजेंट होती है। मिजेंट्री क्या है, एक मेम्ब्रेन है जिसके साथ जो है ये अटैच रहते हैं, पैक रहते हैं। सिमिलरली जो स्टमक वाला जो रीजन है ओमेंटम, वहां पर एक लेयर है। तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर पेरिटोनियम के बारे में, ये जो पेरिटोनियम है वो एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिलोम के चारों तरफ लगी हुई है, और जो सिलोम है उसके अंदर ये बॉडी ऑर्गन है, तो जितने भी बॉडी ऑर्गन है वो सारी पेरिटोनियम से सराउंडेड है। जो पेरिटोनियम जिस ऑर्गन के साथ में अटैच है उसको अलग नाम दिया गया है। जैसे ये अगर प्रेजेंट होगा इसका स्मॉलर कर्वेचर ग्रेटर कर्वेचर, यानी घुमाव कम है या ज्यादा है, तो वो ओमेंटम जो है वहां पर प्रेजेंट है, यहाँ पर मिजेंट्री जो है वो प्रेजेंट है। अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन को देखो तो इसके छोटे छोटे फोल्ड आपको दिखाई देंगे, जो छोटे छोटे फोल्ड है उसको बोलते हैं होस्टूरा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है तो मैं और लंबी नहीं करूंगा, बाकी इस चीज की प्रैक्टिस करें, इसके बारे में अगली जो वीडियो होगी उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप देख सकते हो कि इसकी भी डक्ट है, तो लीवर आल्सो ए एक्सोक्राइन ग्लैंड,
एंड दिस इज ऑल्सो ए एक्सोक्राइन ग्लैंड. थैंक यू.